मेरे पास है पोटेशियम परमैंगनेट और इसका फॉर्मूला है KMnO4। किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप में आसानी से मिल सकता है, 20 या 30 रुपए में मिल जाएगा। और मेरे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला है H2O2 और ये 6% कॉन्सेंट्रेटेड है। मेरे पास डिश वॉशिंग सोप भी है और ये जो डिश ट्यूब सेट है इसे भी ले लेता हूँ। डिश ट्यूब इसमें सीधा रख लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है ना, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं इतना काफी होगा। थोड़ा सा फूड कलर है ना, फूड कलर भी इसमें डाल देते हैं। फूड कलर डाल दिया है और ये जो लिक्विड सोप है इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल भी थोड़ा सा डाल दीजिए, इतना काफी होगा। ये अच्छे तरह से मिल गया है और मैं और एक सॉल्यूशन बना लेता हूँ दूसरे टेस्ट ट्यूब में और इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल भी थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। देख सकते हैं पानी डाल दिया हो, इतना पानी डाल दिया हो। और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसमें से थोड़ा सा लेके, बिल्कुल भी थोड़ा सा लेके इसके अंदर डाल देता हूँ, इतना काफी होगा। और इसे भी अच्छे तरह से मिला लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों सॉल्यूशन है इसे एकदम से मिक्स करेंगे और क्या रिएक्शन होता है वो देखेंगे। दोस्तों इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं एकदम से डालना पड़ेगा, 1 2 3। देख सकते हैं एक एलिफेंट टूथपेस्ट है, दुनिया का सबसे छोटा एलिफेंट टूथपेस्ट हमने आज बना दिया है। अब देख सकते हैं यही है एलिफेंट टूथपेस्ट। तो ये तो एक छोटा सा मामूली सा एक्सपेरिमेंट था, हमारे लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए इसे थोड़ा बड़ा तरीके से ट्राई करेंगे। हमारे लेवल पे एलिफेंट टूथपेस्ट बनाने के लिए इसे बड़े ग्लास का जरूरत पड़ेगा। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये बहुत ज्यादा डाल देता हूँ, देख सकते हैं इतना डाल दिया हूँ और भी डालेंगे और इतना डाल दिया हूँ। और ये जो डिश वॉशिंग सोप है इसको भी थोड़ा ज्यादा डाल देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो कलर है इसे भी इसके अंदर डाल देता हूँ, इसका कलर डाल दिया हूँ। अब क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉल्यूशन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब ये और एक बीकर ले लेता हूँ और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसमें थोड़ा ज्यादा ही डाल देता हूँ। देख सकते इतना काफी होगा, इतना पोटेशियम परमैंगनेट काफी होगा। और इसमें पानी डाल देता हूँ, देख सकते इतना पानी डाल दिया हूँ, देख सकते और भी थोड़ा पानी डाल दूंगे और इसे भी अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसे इसमें डाल दे रहा हूँ, 3 2 1 4। तो जो रिएक्शन आपने देखा ना, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मगर इसमें हीट नहीं आया क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये सिर्फ 6% कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर 30 या 50% कॉन्सेंट्रेटेड होता तो ये और ज्यादा उठता और ज्यादा झाग झाग बन जाता। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है इसलिए ये ज्यादा उड़ा नहीं और ये ज्यादा फैला नहीं। इस हाइड्रोजन परोक्साइड में पोटेशियम परमैंगनेट कैटलिस्ट डाला तो ये क्या कर देता है, इसमें का सारा कुछ डिकम्पोज कर देता है, अंदर के पार्ट्स में तोड़ देता है। और इसमें जो ऑक्सीजन है H2O2, ऑक्सीजन क्या होता है एकदम से बाहर आ जाता है, जैसे ये आ गया बाहर आ गया। और इस डिश वॉशिंग सोप को इसमें डाला था जिससे हम ऑक्सीजन को पकड़ पाए और एक झाग झाग बन गया। ऑक्सीजन एकदम से उछलने पर एक डिश वॉशिंग सोप उसे रोक लेता है और ऐसे झाग झाग बन जाता है। तो ये होता है इस एक्सपेरिमेंट में और इसे कहते हैं एलिफेंट टूथपेस्ट। एक्चुअली हमें 30 या 50% कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना था, अगर हमारे गांव में और ऑनलाइन में भी अवेलेबल नहीं है हमारे गांव में आने के लिए, इसलिए मैं यही 6% वाला यूज किया। 30 या 50% कॉन्सेंट्रेटेड HP हमें मिलता तो ये बहुत ज्यादा उड़ता, उसमें बहुत सारा धुआं था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।